आज शायद 2-2.5 घंटे अभी तक मामला चला है और कपिल सिब्बल साहब ने शुरुआत की और चीफ जस्टिस और उनके जो सहयोगी जज हजरात हैं उनको समझाने की कोशिश की कि आखिरकार हमारा मौकफ क्या है, हम किस अंदाज से जो 5 अगस्त 2019 को हुआ हम उसको कैसे देखते हैं और हम क्या उम्मीद कर रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से। ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब और उनके जो सहयोगी जज हजरात हैं बेंच पे, उन्होंने भी कई सवाल उठाए जो कि कोर्ट का काम होता है। सर, संविधान सभा का सवाल उठा, जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का सवाल खास तौर से उठाया गया ना, अगर ये सवाल नहीं उठेगा तो कौन सा सवाल उठेगा? ये जो सारा मामला संविधान को लेके है, ये सारा मामला आईन को लेके है, मुल्क के आईन को लेके, जम्मू कश्मीर के आईन को लेके, और जो इन दोनों आईन के दरमियान रिश्ता है या रिश्ता था उस चीज़ को लेके तो सारे सवाल उठे, क्योंकि हम कहते हैं कि जो 5 अगस्त 2019 को हुआ वो मुल्क के आईन के ख़िलाफ़ और जम्मू कश्मीर के आईन के ख़िलाफ़ हुआ और हम उम्मीद करते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज़ को हमारी नज़रिए से देखेगी, लेकिन उसके लिए हमें और मेहनत करनी होगी। सरकार की तरफ से, कश्मीरी पंडितों की तरफ से खास तौर से दलील दी गई कि सरकार के समर्थन में कहा गया कि दोनों पार्लियामेंट से, दोनों ऐवानों से जो फैसला था उसको पास कराया गया है, जो संविधान में जो कुछ मौजूद था उस समय उसके हिसाब से फैसला लिया गया। अब हर किसी को अपनी राय रखने का हक है, कुछ लोग इसमें हुकूमत के साथ हैं लेकिन अक्सर बेशतर लोग जम्मू कश्मीर के वो हुकूमत के साथ नहीं हैं, वो इस फैसले के साथ नहीं हैं। हम इसकी पॉलिटिक्स को आर्ग्यू नहीं कर रहे हैं। बदकिस्मती की बात यह है कि जो ज़्यादातर लोग हुकूमत के साथ खड़े हो जाते हैं इस मामले पे, वो पॉलिटिक्स पे आ जाते हैं। हम संविधान की बात कर रहे हैं, आईन की बात कर रहे हैं, कानून की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि वहाँ पे सियासत छोड़िए, पॉलिटिकली इसको आप हर अंदाज से जो है इसको बेचा जा सकता है, लेकिन जहाँ तक संविधान की बात है हम कहते हैं इसमें आईन की खिलाफ वर्जी हुई है, ये आईन के खिलाफ सारा मामला हुआ है। सरकार का हलफनामा भी आया जिसमें कहा गया कि हालात बदल गए, बहुत सारे टूरिस्ट आए, लोगों को उनके हक मिले, तमाम बातें हुई। कौन सा हक मिला नेशन कम हो गया? कौन सा हक मिला हमें, मुझे बताइए ना, कौन सा हक मिला? मैं आपको आज अभी रीट्वीट के जरिए आपको सारे आंकड़े दे दूंगा, जिसमें कि एक पत्रकार जम्मू कश्मीर के, उन्होंने बिल्कुल साफ तौर ये साबित किया है कि ये सारा जो इन्होंने डेवलपमेंट की बात छेड़ी है और सारा कुछ जो ये कह रहे हैं 2019 के बाद बदला है, ये सारा गलत है, झूठ है। जम्मू कश्मीर में कुछ खास नहीं बदला। और जहाँ तक आप इन्फिल्ट्रेशन की बात करते हो, अगर वाकई ये बात सही है तो असेंबली इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे हो? सर, आप क्यों नहीं करा रहे हो? कहीं ना कहीं तो फिर मामले में गड़बड़ है। सर, बीजेपी ये कह रही है कि अब जो हो रहा है वो सब वो लोग गए हैं जिन्होंने आज तक सैकड़ों साल जम्मू कश्मीर को लूटा है और अब उनकी लूट की दुकानें बंद हो गई थी इसलिए उनकी दुकानें दोबारा चालू कराने के लिए एक पॉलिटिकल सवाल खड़ा करने की कोशिश है। पॉलिटिकल सवाल बीजेपी का काम है पॉलिटिक्स करना, पॉलिटिकल जवाब हम उनको देंगे अगर वो मैदान में उतरने की हिम्मत करें। बुजदिलों की तरह वो असेंबली के ये इलेक्शन कमीशन के पीछे क्यों छुपे हुए हैं? ये बड़ा आसान है बीजेपी वालों को, सुने ना, मुझे बात खत्म करने दीजिए। बीजेपी वाले आप लोगों को अपने दफ्तर में बुला के बड़े बड़े बयान देते हैं, हमारे ऊपर बड़े इल्ज़ाम लगाते हैं, बड़े आरोप लगाते हैं, लेकिन लोगों का सामना करने के लिए वो तैयार नहीं है। ये बुजदली है ना, आप सामने आइए, मैदान में हमारा मुकाबला करिए, हम देखते हैं कौन कहाँ पे खड़ा है। जम्मू कश्मीर के अवाम को लेकर कितना बड़ा सवाल अब सुप्रीम कोर्ट के सामने है? शायद आज़ादी के बाद से लेके आज तक सबसे बड़ा सवाल, इतना बड़ा सवाल जम्मू कश्मीर को लेके शायद ही सुप्रीम कोर्ट के सामने आज़ादी के बाद आया होगा। और तभी तो मैं यहाँ ज़िंदगी में पहली बार सुप्रीम कोर्ट आया हूँ, इससे पहले भी जम्मू कश्मीर को लेके केस आए हैं, लेकिन मैं कम से कम मैंने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी कि मैं उस वक्त सुप्रीम कोर्ट आऊँ। आज खुद यहाँ अपने साथियों के साथ सुप्रीम कोर्ट आया हूँ, शायद इसी से आपको इशारा मिलेगा कि कितना बड़ा मामला है ये जम्मू कश्मीर के लिए। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि कुछ भी कर ले अब 370 गई हुई बात हो गई, अब वापस नहीं आएगा, इस बात को मान लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तक मामला है ना, अब जब हम यहाँ पे ये दावा नहीं कर रहे हैं कि हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज क्या फैसला करेंगे, बीजेपी वाले ये दावा कैसे कर सकते हैं?
ये तो इंसल्ट है जुडिशरी का. दिस इज टैंटामाउंट टू ऑलमोस्ट एज गुड एज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. दिस शुड बी टेकन वेरी सीरियस नोट ऑफ. ऑनरेबल चीफ जस्टिस एंड हिज ब्रदर जजेस आर ऑन द बेंच लिसनिंग टू दिस मैटर. हाउ कैन द बीजेपी प्रोनाउंस जजमेंट बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज प्रोनाउंस जजमेंट. दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. This is highly unacceptable and objectionable from a responsible political party like the BJP that runs this country today. They should give the Supreme Court the chance to hear both sides. Let the Supreme Court give its judgment. जो Supreme Court का judgment होगा उसको कौन इनकार कर सकता है? PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा, सिर्फ जम्मू कश्मीर का सवाल नहीं है, मणिपुर से लेकर दूसरी रियासतों में तमाम चीजें हो रही हैं, अब देश को बचाने का सवाल है. इस तरह की बात कर रही है क्या ये जम्मू कश्मीर का सवाल नहीं है? मैं जम्मू कश्मीर की बात यहाँ करने आया हूँ. मणिपुर को लेकर हम सब चिंतित हैं. जो परसों गुड़गांव में हुआ उसको लेके हम परेशान हैं. उस परेशानी का हमने इजहार पार्लियामेंट के बाहर भी किया. मणिपुर की जहाँ तक बात हुई, वो हमारे पार्टी के सदर जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब ने बार बार मणिपुर का भी जिक्र किया है, लेकिन आज का मामला जो है वो जम्मू कश्मीर को लेके है. हाँ, इसका असर बाकी रियासतों पर भी पड़ सकता है. जिस तरह उन्होंने आईन को तोड़ मरोड़ के जम्मू कश्मीर का नक्शा बदल दिया, उसको तोड़ दिया, उसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया, कल को ये किसी भी रियासत के साथ कर सकते हैं. ये क्या कोई और रियासत इस चीज़ को तस्लीम करेगी? मिसाल के तौर पे अगर बीजेपी लगातार वेस्ट बंगाल में हारती रही तो उनको कौन रोकेगा वेस्ट बंगाल में ये करने से? वो अपने आप को दोबारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इख्तियार दे के वेस्ट बंगाल को तोड़ के वहाँ यूनियन टेरिटरी बनाएंगे. तभी तो हम कहते हैं ना, ये ठीक है, ये मामला जम्मू कश्मीर का है, हमसे हमारे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन बाकी मुल्क में किसी और रियासत के साथ ये नहीं होना चाहिए. उसलिए भी हम ये मुकदमा जो है लड़ रहे हैं. जिस वक्त ये धारा 370 अमेंडमेंट किया गया था तो जम्मू कश्मीर से लेकर और पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी ने अपनी काफ़ी पेट थपथपाई थी. आपको लगता है कि वो राजनीतिक मुद्दा 370 के अंदर ढूंढने की कोशिश की गई थी? ये उनका पुराना मुद्दा था और मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं है. हर पॉलिटिकल पार्टी को अपना हक होता है कि वो लोगों के सामने अपना मौकफ़ रखें और उस मौकफ़ के बुनियाद पर वो लोगों से वोट हासिल करें. लेकिन जो हुआ जम्मू कश्मीर के साथ हुआ, लेकिन इसमें जम्मू कश्मीर के लोगों की राय नहीं ली गई. यहाँ तक के जो उस वक्त जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे, शायद उनकी भी राय इसमें नहीं ली गई. वो खुद आज कहते हैं मीडिया के ज़रिए, मैंने उनके इंटरव्यू देखे जिसमें उन्होंने कहा कि सुबह उनको फाइल दी गई, कहा गया दस्तखत करो और उसके बाद 11 बजे वो फाइल पार्लियामेंट में प्रेजेंट हुई. अगर जम्मू कश्मीर के गवर्नर के साथ बातचीत नहीं हुई, जम्मू कश्मीर के लोग तो दूर की बात ना, उनसे तो कोई पूछताछ हुई नहीं. अभी कपिल सिब्बल साहब आपकी तरफ से अपनी दलाइल रख रहे हैं, उसके बाद सरकार की तरफ से भी दलाइल रखे जाएंगे. इस दरमियान में पार्लियामेंट भी चल रही है, आप सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं ना, इस सरकार से कुछ कहना फजूल है. ये सरकार सुने तब ना, इन्होंने किस इशू पे सुना है? किसी इशू पे ये लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है. सुनाते हैं, सुनाते बहुत हैं, सुनते कम हैं. हमें वैसी हुकूमत चाहिए थी जो कम से कम बोलने के साथ साथ सुनने का भी काम करें, लेकिन इन लोगों को सुनने की इतनी आदत है नहीं. मुझे अक्सर कहा गया था और बचपन में सिखाया गया था कि मुझे कहने के अलावा सुनने की भी ताकत रखनी चाहिए. मेरा मशवरा इस हुकूमत को भी यही होगा, जितना वो बोलते हैं अगर उतना ही वो सुनने का काम करें तो मुल्क की हालत बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी.